नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। अभी हम नेटवर्क सिक्योरिटी एमसीक्यू सेट 02 सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन DES। अब DES जो होता है, ये जो है DES जो क्या करता है, हार्डवेयर मतलब इज इम्प्लीमेंटेबल एज हार्डवेयर VLSI चिप। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन जनरेशन में यूज की जाती है, और कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन जो थी ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यूज की गई थी। तो फिर नेक्स्ट इसी में आप देख सकते हैं थर्ड नंबर, पूर्ण सुरक्षा की गारंटी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूजिंग 56 बिट की। तो 56 बिट कुंजियों का उपयोग करते हुए डिजिटल इंक्रिप्शन मानक है। तो यहाँ 42 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर के साथ तोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, पब्लिक की इंक्रिप्शन मेथड इज ए सिस्टम। सार्वजनिक कुंजी इंक्रिप्शन विधि एक प्रणाली है। तो ये कौन सी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो संवाद करना चाहता है और उसके बाद दो चाबियां होती है उसे ज्ञात एक निजी कुंजी। तो मतलब इन विच इज पर्सन हु वांट टू कम्युनिकेट हैज टू की, ए प्राइवेट की इज नाउन टू हिम। तो इसका सही आंसर है सी 44। पब्लिक की सिस्टम इज यूजफुल बिकॉज, सार्वजनिक कुंजी प्रणाली उपयोगी है क्योंकि क्योंकि कोई महत्वपूर्ण वितरण समस्या नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक कुंजी को सामान्य रूप से सुलभ डेटाबेस में रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया सी 45। सार्वजनिक कुंजी इंक्रिप्शन में यदि ए इंक्रिप्शन संदेश भेजना चाहता है तो ए संदेश जो भेजना चाहता है तो वो क्या होगा यहाँ पे, ए इंक्रिप्ट मैसेज यूजिंग बी पब्लिक की। तो सही आंसर क्या होगा सी 46। 45 का जो सही आंसर है सी है। अच्छा, ये लिखा हुआ मैंने सोचा ये है नहीं यहाँ पे, चलो ये है, ठीक है। फिर 46 क्वेश्चन, सार्वजनिक कुंजी इंक्रिप्शन सिस्टम में यदि ए अपनी निजी कुंजी का उपयोग करके किसी संदेश को इंक्रिप्ट करता है और उसे बी को भेजता है तो बी को भेजेगा तो क्या होगा यहाँ पे, इफ बी इज नाउन इट फ्रॉम ए ही कैन डिक्रिप्ट इट यूजिंग ए पब्लिक की। तो इसका सही आंसर क्या है बी 47। डैश का उपयोग करके मतलब DES का उपयोग करके संदेश को द्वारा अधिक सुरक्षित रूप से भेजा जा सकता है। तो यहाँ अधिक सुरक्षित रूप में भेजने के लिए क्या होगा, प्रत्येक संदेश संचरण के लिए एक अलग यादृच्छिक कुंजी द्वारा सादा पाठ को इनक्रिप्ट करना और सार्वजनिक कुंजी प्रणाली का उपयोग करके प्राप्त करने की कुंजी भेजना। तो इसका सही आंसर सी। देखो बच्चों, अभी मैं जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज है ये सारी, जिसमें मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड किया है। तो चलो वीडियो चलता है नेक्स्ट आगे 48। अभी जैसे मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया, जैसे ए डिजिटल सिग्नेचर, तो इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं तो थ्योरी बेस्ड सारे MCQ सेट है यहाँ पे 48। मतलब डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एन ऑथेंटिफिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय ट्राइंग इट यूनिकली टू ए की ओनली सेंडर नाउ। केवल एक प्रेषक जानता है कि एक कुंजी के लिए विशिष्ट रूप से कोशिश करके एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण। तो इसका सही आंसर होगा 48 का बी। एक डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है, तो एक डिजिटल सिग्नेचर की जो रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होगी यहाँ पे, सबसे पहला एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश को प्रेषक की पहचान से जोड़ने के लिए, बिल्कुल राइट। सेकंड है प्रेषक द्वारा संसार को अस्वीकार ना करने की, तो ये भी होगा नॉन रिपुडेशन वाला। टू प्रूव दैट मैसेज सेंड बाय सेंडर इन कोर्ट इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो 49 का जो सही आंसर है डी। नेक्स्ट, डिजिटल हस्ताक्षर के लिए एक हैजिंग फंक्शन, मतलब यहाँ पे देखते हैं हैजिंग फंक्शन जो होता है डिजिटल सिग्नेचर में वो क्या वर्क करेगा यहाँ पे,
दो अलग अलग संदेशों को, मतलब दो अलग अलग संदेशों को एक ही हैश संदेश नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, यहाँ पे एक तो थर्ड नंबर होगा, दूसरा एक है यहाँ पे एक हैश संदेश देना चाहिए जो मूल संदेश से छोटा हो, तो इसका ये फर्स्ट भी होगा। तो इसका सही आंसर है सी, हैज किए गए संदेश को प्रेषक द्वारा का उपयोग करके हस्ताक्षरित किया जाता है। तो यहाँ जो 51 का जो सही आंसर है वो हिज प्राइवेट की। वाइल सेंडिंग ए साइन मैसेज ए सेंडर एक हस्ताक्षरित संदेश भेजते समय एक प्रेषक, तो एक प्रेषक क्या करेगा यहाँ पे DES का उपयोग करके, फोर्थ नंबर, DES का उपयोग करके सार्वजनिक कुंजी इनक्रिप्शन का उपयोग करके संदेश की भेजता है, और फिर यहाँ पे सार्वजनिक की इनक्रिप्शन का उपयोग करके है संदेश भेजता है। तो सही आंसर क्या होगा डी इसका। डिजिटल हस्ताक्षर के लिए प्रमाणन प्राधिकरण की जिम्मेदारी को प्रमाणित करना है। तो यहाँ 53 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे बी, पब्लिक की ऑफ सब्सक्राइबर। एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है क्योंकि, तो क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं प्राधिकरण ग्राहकों की जांच और आश्वासन देता है कि सार्वजनिक कुंजी वास्तव में उस व्यवसाय से संबंधित है जो स्वामित्व का दावा करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, वाईफाई हैकिंग के लिए निम्न में से किस टूल्स का उपयोग किया जाता है, मतलब वाईफाई, तो वाईफाई की जो फुल फॉर्म जो है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, और यहाँ पे जो 55 का जो सही आंसर होगा वो होगा एयर क्रैक डैश NG। 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय IP एड्रेस और पोर्ट स्कैनर है, तो IP एड्रेस और यहाँ पे जो पोर्ट स्कैनर जो होता है पॉपुलर, तो वो कौन सा होता है यहाँ पे एंग्री IP स्कैनर, तो सही आंसर ए। 57, निम्नलिखित में से कौन भौतिक डेटा रिसाव का उदाहरण नहीं है, मतलब यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डेटा लीकेज। तो यहाँ जो 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ फिशिंग। डेटा का अनधिकृत संचलन क्या है, तो मतलब अनऑथराइज मूवमेंट ऑफ डेटा, तो 58 का जो सही आंसर है वो है डेटा एक्सफिलेशन, तो इसका सही आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षित हमलावरों के लिए इंटरनेट पर सूचना स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन सोर्स ओवर द इंटरनेट वो टारगेट अटैकर, तो यहाँ टारगेट अटैकर जो होता है वो कौन सा है यहाँ पे सी यूट्यूब। एक वैध स्कैनिंग विधि नहीं है, इज इज नॉट वैलिड स्कैनिंग मेथड, तो स्कैनिंग मेथड मतलब यहाँ क्लाउड स्कैन। सिस्टम हैकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है, तो यहाँ 61 का जो सही आंसर होगा क्रैकिंग पासवर्ड। 62, निम्नलिखित में से किसी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है यहाँ पे मालवेयर को। साइबर सुरक्षा के तत्व क्या है, तो साइबर सुरक्षा मतलब साइबर सिक्योरिटी के जो तत्व है वो कौन सा है, एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी और ऑपरेशन सिक्योर, तो सही आंसर क्या हो गया डी। सामान्य साइबर हमले क्या हैं जिनका उपयोग हैकर्स नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, तो नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं किससे, मालवेयर, फिशिंग, DDoS, ड्राइव बाई डाउनलोड, तो इसका सही आंसर होगा डी। 65, एक कंप्यूटर वायरस में भी यूज टू, एक कंप्यूटर वायरस का उपयोग के लिए किया जा सकता है, तो कंप्यूटर वायरस का उपयोग किस लिए, एक्सेस प्राइवेट डेटा लीक, यूज द ID पासवर्ड, करप्ट डेटा इन योर कंप्यूटर, लॉग इन यूजर की स्टॉक, तो सही आंसर क्या हो गया डी। डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो विकल्प बदलता है कौन सा ऑप्शन यूज होगा इनक्रिप्शन। निम्नलिखित में से किसे साइबर सुरक्षा के तत्वों के रूप में माना जा सकता है, तो किसे माना जाता है यहाँ पे ऑपरेशनल, एप्लीकेशन और नेटवर्क, तो सही आंसर इसका भी डी। 67 का, सुरक्षित प्रणाली के डिजाइन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, चेंजिंग ऑफ अपडेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू वेल्युरेबिलिटी और एक्सेसिंग वेल्युरेबिलिटी, तो सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे सी।
69। निम्न में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण नहीं है? तो मालवेयर का उदाहरण नहीं है तो ये ब्राउजर, ब्राउजर मालवेयर का उदाहरण नहीं है तो यहाँ ट्रोजन और वॉर्म और ये इसके सॉरी मालवेयर के एग्जांपल है। तो यहाँ जो 69 का सही आंसर है वो है बी ब्राउजर। जैसे ब्राउजर कह सकते हैं कौन कौन से ब्राउजर होते हैं, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये सभी ब्राउजर के टाइप है, और भी है लेकिन आप इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट, कुछ असामान्य का पता लगाने के इरादे से सभी फाइलों या नेटवर्क तत्वों के माध्यम से कौन सी विधि जाती है? तो कौन सी विधि जाती है? तो यहाँ 70 का जो 70 का सही आंसर है वो है यहाँ पे स्कैनिंग, 71। होस्ट कंप्यूटर पर हमला करने के लिए ज़्यादातर ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से भेजी जाने वाली स्क्रिप्ट फाइलों को कहा जाता है। तो यहाँ पे इंटरनेट पे स्क्रिप्ट फाइलों को क्या कहा जाता है? तो स्क्रिप्ट फाइलों को वॉर्म। और स्पैम जो होता है अनवांटेड मेल होती है, अनवांटेड मेल। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर क्या है? बी 72। एक वैध वित्तीय संस्थान के नकली यूआरएल के माध्यम से पीड़ितों पर हमला करने, मतलब यहाँ कह सकता है अटैकिंग द विक्टम्स थ्रू फेक यूआरएल आर रीअसेंबलिंग दैट ऑफ वैलिड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड। तो ये जो सिचुएशन जो होती है यहाँ पे 72 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फिशिंग अटैक। एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो इंटरनेट और स्टोरेज मीडिया के माध्यम से फैलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेट और या स्टोरेज मीडिया के माध्यम से फैलता है तो उससे हमले को क्या कहा जाएगा? उस हमले को यहाँ पे कहा जाता है कंप्यूटर वायरस। आईटी अब संरचना में संभावित कमजोरियां जिसके माध्यम से साइबर हमला हो सकता है। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो साइबर अटैक जो होता है, तो यहाँ जो 74 का जो सही आंसर है वल्नरेबिलिटी, बी आंसर 75। साइबर हमले की सुभेदता में हो सकते हैं साइबर अटैक में भी, तो यहाँ 75 का जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। पीड़ित के कंप्यूटर में घुसपैठ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भेद्यता का उपयोग करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको पता ही है क्या कहा जाएगा, यहाँ पे हैकर्स। कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षा भेद्यता के अबाधित मूल्यांकन को ऑडिट कहा जाता है। तो उस ऑडिट को क्या कहा जाता है? यहाँ सिक्योरिटी। कंप्यूटर को साइबर हमले से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा ऑडिट टीम है। तो यहाँ पे कौन सी टीम होती है? वो यहाँ पे कंसिडर लेटेस्ट थ्रेट सिनेरियो एंड इम्प्लीमेंट और एक्सेस वेलनरेबिलिटी और डिसाइड टू सेफ्टी मेजर थ्रू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर डी, सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए को लागू किया जाना चाहिए। तो किसको लागू किया गया? सिक्योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, हार्डवेयर एक्सेस सिक्योरिटी को, फिजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। तो इसका सही आंसर डी। कई नेटवर्किंग सेवाओं के लिए एकल पहुंच बिंदु को कहा जाता है। एकल पहुंच बिंदु को क्या कहा जाता है यहाँ पे? वो कहा जाता है डायरेक्टरी सर्विस। तो इसका सही आंसर सी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।